हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे सभी गर्ल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम भी बहुत ठीक हैं, अच्छे हैं। सुबह का समय है, मॉर्निंग का टाइम है। जो मॉर्निंग की रूटीन है वो साफ़ सफाई वाली, झाड़ू पोछा सारा कुछ मेरा हो चुका है। आज का ब्लॉग मैंने जो है किचन से शुरू किया है। किचन में अभी फ़िलहाल मॉर्निंग की चाय वगैरह बन रही है और साथ में जो डेली की तरह जो खाना पीना बनता है वो भी तैयारी हो रही है। टाइम अभी लगभग के 6 बज रहे होंगे। सुबह के 6 बजे से आज का वीडियो स्टार्ट किया है। तारीख बता देती हूँ तो 26 अप्रैल दिन शुक्रवार का सुबह 6 बजे से ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और न्यू फ्रेंड है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ चाय रख दी थी बनने के लिए और एक तरफ मैंने जो है दूध भी छान दिया था और एक तरफ मैंने रख दिया है आलू उबलने के लिए। और मॉर्निंग में आज बनने वाला है राइस और साथ में बनेगा आलू परवल की झोल वाली सब्जी और प्लेन रोटी, यही सब होगा खाने में। तो उससे पहले पी लेंगे पहले चाय। यहाँ पर विधु ब्रश कर आई हुई है तो वो मांग रही है चाय, तो अभी यहाँ पर चाय किसी ने नहीं पिया हुआ है। चाय बन गया है, मैं छान लेती हूँ और फिर सभी को चाय दे देंगे। आज है मेरी बेटी का जन्मदिन, तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी बेटी को खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। मेरी वेदांशी आज 4 साल की कम्प्लीट हो गई है और ये 4 साल फ्रेंड्स कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। विधु 4 साल की भी हो गई, तो चलिए यही जीवन है और इसी तरीके से लाइफ करती है, समय का पता ही नहीं लगता है। हालांकि इन 4 सालों में लाइफ में मैंने और विधु ने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन आज बहुत अच्छा दिन है। तो बस मैं यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि हम चारों दिशा से हमारे आंगन में खुशियाँ आए और मेरी बेटी खूब स्वस्थ रहे, निरोग रहे और अच्छी रहे। यहाँ पर मैंने चाय वगैरह दे दी है और मैंने भी चाय वगैरह पी ली है और एक तरफ रख दिया है मैंने दूध गर्म होने के लिए और एक तरफ से मैं देखिए सब्ज़ी वगैरह काट रही हूँ क्योंकि बर्थडे है। वो तो पता नहीं सेलिब्रेशन करेंगे नहीं करेंगे, अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं था। बस ये था कि हाँ बेटी का बर्थडे था तो सभी ने उसको विश कर दिया था और बाकी जो ऐसा नहीं है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो काम नहीं है और मतलब रेस्ट है या तो फिर सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब डेली का जो रूटीन है, जो काम है वो तो हमें करना ही है। और अभी विधु को तो मैंने नहलाया धुलाया कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। जो ज़रूरी काम है वो मैं पहले निपटाऊंगी और उसके बाद मैं जैसे हमेशा करती हूँ वैसा मैं करूँगी। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैं घर में हूँ और बस जब जैसा, और सबसे बड़ा कि आपका वक्त जैसा कराए आपको उसी हिसाब से करना चाहिए। तो मेरा फ़िलहाल जो समय जो वक्त है मैं उसी के हिसाब से उसका बर्थडे करूँगी नहीं करूँगी अभी तो कुछ नहीं कह सकती। फ़िलहाल अभी मॉर्निंग के खाने पीने की तैयारी जोरों शोरों से जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रही हूँ क्योंकि सभी को स्कूल जाना है और 7 बजते बजते मुझे खाना रेडी करना है डेली की तरह। तो एक तरफ रख दिया चावल बनने के लिए और एक तरफ आलू उबल चुके हैं मेरे, तो यहाँ पर मैंने जो है परवल और तड़के का सारा सामान काट लिया और हरा धनिया जो देख रहे हैं ना आप, ये घर का फ्रेश हरा धनिया है, हस्बैंड लाए थे सुबह खेतों में बोया हुआ है। ये तो अंडर मस्सी की सब्ज़ी भी बनानी मुझे और अभी मेरे को आज दाल चावल परवल की सब्ज़ी, आलू परवल की सब्ज़ी, रोटी और सुरजने की फली क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है वो, तो इतना सारा मुझे खाना बनाना है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है आलू परवल को मैं का मसाला बनाया पहले, जैसे प्याज में, जीरे में, प्याज में, परवल को और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लिया, उसके बाद पीस कर इसमें से मसाला डाल दिया। जो भी बेसिक मसाले होते हैं खड़े मसाले वो सारे कर इसमें मैंने मिक्स किए हुए हैं और आलू उबाल कर इस तरीके से। फ्रेंड्स, मेरे घर में आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे कि आलू उबाल कर ही सब्ज़ी बनती है। उसका रीज़न ये है कि उबले हुए आलू की सब्ज़ी टेस्टी भी लगती है गर्मी के दिन है तो, और उसकी जो ग्रेवी बनती है वो थोड़ी थिक ग्रेवी बनती है जो कि आप चावल से रोटी से खा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे घर में जो है आलू को ज़्यादा करके उबाल के बनाया जाता है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी हो गई है, बस थोड़ा सा उबाल आएगा तो हो जाएगी। उधर चावल हो चुके हैं तो सब्ज़ी और चावल रेडी हो गया है। और यहाँ पर विधु की शरारती देखिए आप, उसकी मंजली मम्मा किचन में कुछ लेने आई हुई थी तो वो दरवाज़ा बंद कर उस पर खड़ी हो गई थी, उनको जाने नहीं दे रही थी और जब वो गई तो देखिए कैसे रो रही है। तो ये ना बहुत कभी कभी परेशान करते थे। इसने बर्थडे वाले दिन तो इसने बहुत परेशान किया था लेकिन बहुत कंट्रोल किया गया इसको। बर्थडे वाले दिन स्पेशल फील कराया गया, बिल्कुल डांटा नहीं किसी ने इसको, वैसे भी कोई इसको मारता नहीं, सभी प्यार करते हैं, बस मैं ही कभी कभार इसको डांट देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने फटाफट सारा खाना रेडी कर दिया और सारा खाना रेडी करने के बाद सारी साफ सफाई कर नहा भी ली और नहा कर आ गई हूँ घर के मंदिर में, जैसे प्रतिदिन पूजा करती हूँ वैसे। लेकिन आज स्पेशल ये है कि आज विधु का बर्थडे है और विधु के बर्थडे पे हर साल मैं उसी से पूजा कराती हूँ। ये मैं उस इस चीज़ का मैं इसको
पहले से वो छोटी सी थी, फर्स्ट बर्थडे था, तब से भी मैं इसको यही चीज़ सिखाती हूँ बर्थडे पर कि कुछ करो या ना करो, बर्थडे पर पूजा भगवान की ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर उससे मैंने आज पूरी पूजा कराई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है, मैं ये चीज़ मानती हूँ। भगवान आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, तो ये भगवान की कृपा से। तो बस मैंने उसके अच्छे से पूजा पाठ बेदू की करा दी और उसके बाद देखिए हम आ गए खाना खाने। तो अब खाना खाएंगे माँ बेटी। देखिए खाने में सब्जी, प्लेन रोटी और राइस और दही, यही है हमारे खाने में। तो चलिए खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद सीधे शाम को। अभी फ्रेंड्स बज रहे हैं शाम के 4 बज गए हैं, अभी फ्रेंड्स शाम के 4 बज रहे हैं और लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बैठे हैं बाहर पीछे आंगन में और यहाँ चल रही है बहुत अच्छी हवा। यहीं बैठी हूँ मैं, लेकिन अब बैठना नहीं है, मेरे पास पूजा के दिए ख़त्म हो गए थे तो वो बनाए मैंने अभी थोड़ी देर पहले और छत पे रख के आई हूँ सूखने के लिए। और अभी देखिए सारा काम ऐसे ही पड़ा है, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। और बर्थडे गर्ल यहाँ पर ये बैठी है, बर्थडे गर्ल, ये रही बर्थडे गर्ल। और बर्थडे गर्ल का ये तीसरा ड्रेस है जो इसने चेंज किया है, और आज के लिए इसके लिए जो ड्रेस लाया है इसके पापा ने, वो शाम को मैं पहनाऊंगी। तो देखिएगा आप लोग, बहुत ही प्यारा ड्रेस बेदू के लिए लाया है। दिखाओ बेदू, बेदू ये वाला ड्रेस दिखाओ अपना। और ये वाला ड्रेस किसने दिया था बेदू आपको? बाली माँ। इसकी बड़ी मम्मा ने दिलाया था, सबसे बड़ी मम्मा जो है उन्होंने। दिखा बेदू, दिखा तो सही अपना कपड़ा, खड़े होके दिखाओ ना, तभी तो सुंदर दिखता है। इसके नीचे टॉप है, तो टॉप बेदू ने नहीं पहना है क्योंकि गर्मी लगेगी, बस इसको पहन लिया है। हरी भरी हो रखी है बैसाख के महीने में, देखिए कितनी हरी भरी हो रखी है, क्योंकि इनकी मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। इनको मैं 2 से 3 टाइम पानी देती हूँ, सुबह भी देती हूँ, फिर नहाने धोने के बाद, फिर शाम को भी इस टाइम भी क्यारे को अच्छे से भर देती हूँ। तो ये ठंडा रहती हैं और कितनी अच्छी हो रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब काम बहुत ज़्यादा है, बात नहीं करती हूँ, और बैठ भी लिया, हवा ले ली जितनी लेनी थी। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगा के ये बर्तन जो देख रहे हैं आप लोग वो बर्तन साफ करूंगी, और उसके बाद नहा धोकर शाम के समय पर मिलेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी देखिए शाम के लगभग बज रहे हैं 5:40 का समय हो गया है। मैंने काम जो दिखाए थे आप सभी को निपटा कर वो मैं नहा कर आ गई हूँ। बेदू भी नहा ली है, उसको भी मैंने रेडी कर दिया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और फ्रेंड्स ऐसा हो नहीं सकता कि गांव में कोई फंक्शन हो या कोई घर में कार्यक्रम हो तो लाइट ना जाए। तो फिलहाल लाइट जा चुकी है, एकदम अंधेरा हो गया, देख सकते हैं आप, घरों में तो वैसे भी अंधेरा सा लगता है। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी हमने शाम को डिसाइड किया कि बेदू का छोटा सा केक कटिंग कर ही लेते हैं फैमिली मेंबर मिलकर, क्योंकि ये बहुत जिद कर रही थी। तो शाम को मतलब एकदम सडनली प्लान बनाया हम लोगों ने, और ये देखिए ये प्यारा सा ड्रेस बेदू को बेदू के पापा की तरफ से गिफ्ट मिला है। बहुत परेशान थी कि मुझे फ्रॉक पहनना है अपने बर्थडे पर, मुझे ऐसे परी बनना है, तो इस तरीके से इसके पापा ने देखिए इसके लिए ड्रेस लाए थे और ये हेयरबैंड, और इस तरीके से इसको मैंने फिर तैयार किया। और पहले हम दोनों मंदिर गए, मंदिर जाकर भगवान शंकर के मंदिर गए हम, वहाँ हम पूजा वगैरह कर आए। बस वीडियो इसलिए नहीं बना पाई मैं क्योंकि लाइट था ही नहीं, अंधेरा था वहाँ मंदिर में भी। और आने के बाद फिर मैंने घर में आकर बेदू को तैयार किया, और अभी आप देख सकते हो कि अभी बच्चे जो है डेकोरेशन कर ही रहे हैं। सुबह से कोई प्लान नहीं था और सडनली मतलब सारी चीज़ें हुई शाम के समय पे, देखिए अभी डेकोरेशन बच्चे कर ही रहे हैं, और शाम तक अभी कुछ भी नहीं था। तो बस वही होता है, और इस बार इसका बर्थडे मनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, क्योंकि लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन ऐसा चला हुआ है कि कुछ भी करने का मन इस टाइप से नहीं होता है। लेकिन ठीक है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बेदू के बर्थडे सेलिब्रेशन इतने कम टाइम में हम इतने अच्छे से कर लेंगे, ये मैंने नहीं सोचा था कि बेदू के बर्थडे के दिन ये सब कुछ हो पाएगा। लेकिन वही आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी होती है वो भगवान की दया से होती है, और उसका बर्थडे हमेशा से सेलिब्रेट किया था मैंने, तो मन में कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि इस बार नहीं करूँगी, लेकिन सडन फिर उस सारी चीज़ें हुई और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। तो यहाँ
यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़े बहुत गाने वगैरह चल रहे हैं, घर में डीजे वगैरह बच्चों ने लगाए हुए हैं, थोड़ा सा माहौल ऐसा लगना चाहिए कि भाई घर में पार्टी है। और बस सिंपल से देखिए हमारी फैमिली मेंबर है, बाहर से किसी को भी हमने इनवाइट नहीं किया है। और फ्रेंड्स मेरी सासू माँ भी नहीं है, मेरी सासू माँ मायके गई हुई हैं क्योंकि उनके मायके में उनके भतीजे की बेटी की शादी है, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था। और इसी मारे जैसे मम्मी घर में नहीं है तो इसी मारे भी मेरा और भी मन नहीं कर रहा था कि मैं विधु का बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, लेकिन उसके बड़े मम्मी पापा वगैरह ने सबने तैयारी कर दी तो शाम को उसका केक कट गया। तो अभी मैं फ़िलहाल देखिए विधु को कि बर्थडे की तैयारी हो गई है और उसको मैंने सबसे पहले उसकी आरती उतारी, उसको टीका किया और उसके बाद फाइनली यहाँ पर विधु अपना 4 ईयर कम्प्लीट केक काट रही है। और ये बहुत ही खुशी का टाइम है, ये मेरी और मेरे हस्बैंड की लाइफ का बहुत ही खूबसूरत समय है। मैं ईश्वर से यही कामना करूँगी और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा परिवार हमारा संसार बना रहे, हम खुश रहे स्वस्थ रहे, ये आप लोग भर भर के हमें दुआएं दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए वेदु का केक कट हो गया है, अभी हम उसको वेदु को जो है थोड़ा सा केक कट कर खिला देंगे। और केक हम दोनों ने बिल्कुल मतलब उसके पापा ने तो खाया था, मैंने अभी नहीं टच किया था क्योंकि अभी जो है मेरे जेठ जी आने वाले हैं, वो भी इसको केक खिलाएंगे। ये देखिए आ गए मेरे जेठ जी और ये मेरे बड़े मझले जेठ जी हैं और मेरी मझली जेठानी जी हैं, वेदु के मझले मम्मी पापा ये, तो इसीलिए भी मैंने केक नहीं टच किया था, नहीं तो बेदू हमें हमें पहले खिलाती है। इस बार उसने अपने मम्मी पापा को खिलाया था। तो यहाँ पर देखिए और ब्लीज में फ्रेंड्स गांव में शहरों से बिल्कुल हटकर जन्मदिन मनाए जाते हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से बेदू का सेकेंड बर्थडे भी हमने सेकेंड नहीं सॉरी फर्स्ट बर्थडे भी हमने गांव ही सेलिब्रेट किया था, यहीं पर सेलिब्रेट किया था। मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लगाऊंगी, आप लोग चेक करिएगा। फर्स्ट ब्लॉग बेदू का बर्थडे ब्लॉग हमने यहीं पर सेट किया था, ससुराल में उसका बर्थडे मनाया गया था। तब ये देखिए उसकी बॉडी मम्मा ले जा रही हूँ मेरी जिठानी जी है। तो बस कुछ उसी तरीके से फ्रेंड्स सिंपल सोबर तरीके से ब्लीज के स्टाइल में हमने विधु का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। अभी रात के लगभग 10 बज रहे होंगे फ्रेंड्स और अभी देखिए सारी चीज़ें जहाँ के तहें फेंकी पड़ी हुई है क्योंकि फिर मैं खाना वगैरह खिलाने में लगी गई थी सभी को, क्योंकि फैमिली मेम्बर थे सभी, सभी के लिए खाना बनाया था और खाने में फ्रेंड्स पूड़ी और सब्जी खीर यही सब बनाया था। ये ड्रेस उसके मझली मम्मा ने दिया था वो मैं दिखा रही थी आप सभी को, और काफ़ी सारे गिफ्ट थे फ्रेंड्स, सब बच्चों ने खोल दिए, मैं कुछ आप लोगों को दिखाई नहीं पाई, बच्चों ने बहुत कुछ इसको गिफ्ट दिया था। और अब चलिए इस वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ आज का ब्लॉग, आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और अभी मैं जो है जितना भी फैलाड़ा है वो सब समेट दूँगी, हस्बैंड जी यहाँ पर खाना खा रहे हैं और उसके बाद अब मैं भी खाना खाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग के साथ, बाय।